अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुवैत खबर YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में कुवैत से सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है कुवैत में मनी एक्सचेंज फ्रॉड को लेकर। तो भाइयों कुवैत में जो है लोग मनी एक्सचेंज काफी ज्यादा करते हैं क्योंकि बहुत सारे वहां पे वर्कर हैं जो अपने अपने मुल्क पैसे को भेजते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। तो खबर दोस्तों यह है कि रॉबरी अटेम्प्ट टू महबेला मनी एक्सचेंज थ्रेट सस्पेक्टेड इन लार्ज महबूला एरिया में। दोस्तों मनी एक्सचेंज कंपनी में वहां पर रॉबरी यानी डकैती की घटना दोस्तों देखने को मिली है। यानी सिंपल भाषा में मनी एक्सचेंज के नाम पे वहां पे फ्रॉड किया जा रहा है महबूला एरिया में। तो भाई आप कुवैत में रहते हो तो मनी एक्सचेंज आप ऐसे जगह से करवाइए जहां पे जेन्युइन हो। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप लोग क्या करते हो, जहां तहां जाकर आप मनी एक्सचेंज करवाते हो जिसकी वजह से आपका भारी नुकसान होता है। तो जो गवर्नमेंटल अप्रूव्ड होता है, रजिस्टर होता है, भले ही आपका दो पैसा ज्यादा लग जाए मनी ट्रांसफर कराने पे, पर वहीं से कराइए जहां पे जिस किसी का ठिकाना नहीं है। कुछ पैसे बचाने के लालच में बिल्कुल भी मत कराइएगा, नहीं तो आप भी इसका शिकार हो सकते हो। अगली खबर दोस्तों वाले साथियों, पुलिस की तरफ से दो कुवैती नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हंट टू एसल्टन ऑफ एसल्ट ऑफ कुवैती मैन। दोस्तों एक वहां पे कुवैती शख्स के साथ गलत व्यवहार करने के आरोप में दो शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि खबरों को यहां पे पढ़ सकते हो, कुवैत के आदमी पर हमला में दो हमलावरों को पुलिस का शिकार। यानी वो असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा था, यानी हमला करने की कोशिश कर रहा था, जिसपे कुवैत पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियां की गई। अगली जो अपडेट आ रही है, बैंक अकाउंट थीफ केसेस रिसर्फेस, न्यू केसेस रिपोर्टेड। साथियों बैंक अकाउंट चोरी को लेकर आप लोग जानते ही होंगे, यानी साइबर क्राइम। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है वो साइबर ठगी कर रहे हैं और लोगों को पैसा को ठगी कर रहे हैं कोई ना कोई नया तरीका निकाल के। इसी को लेकर कल के दिन वहां पे तीन ऐसे मामले को वहां पे दर्ज किया गया है जो कि बैंक की चोरी यानी बैंक में ऑनलाइन तरीके से पैसे ठगी करने के आरोप में लोगों के द्वारा वहां पे केस को दर्ज कराया गया है कुवैत में। तो यदि आप भी कुवैत में हो तो इस मामले में बिल्कुल आप सचेत रहिए क्योंकि साइबर क्राइम कुवैत में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगली जो अपडेट आ रही है, टू इजिप्टियन गेट 5 ईयर जेल एंड 149K फाइन फॉर स्टीलिंग केडीओ 49 इन गुड। दोस्तों दो मिस्री को वहां पे 5 सालों की सजा सुनाई गई है, उसके साथ साथ 1,49,000 कुवैती दिनार का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि वो लोग 49,000 का सामान को जहां पे काम करता था वहां पे चोरी करने का बेचने का आरोप उन पर लगा था। फिलहाल दोनों वहां पे जो मिस्री नागरिक हैं यानी मिस्र के जो प्रवासी हैं गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के साथ साथ 1,49,000 कुवैती दिनार का उन पर जुर्माना भी लगाया गया क्योंकि वो काफी दिनों से चोरी वगैरह कर रहे थे, जिसको देखते हुए कुवैत की तरफ से ये फैसला लिया गया। अगली जो अपडेट आ रही, न्यू रूल डिस्प्ले वर्क आईडी फॉर ऑल एम्प्लॉय। दोस्तों कुवैत में यदि आप काम करते हो तो कुवैत में एक नया आईडी का रूल दिया जाएगा, यानी जो टांगने वाला जो आईडी होता है आप लोग जानते होंगे, अटेंडेंस वगैरह लगाते होंगे कंपनी में जब घुसते होंगे, तो एक नया रूल वहां पर बनाया जाएगा और ये सभी एम्प्लॉय पे लागू होगा, चाहे वो कुवैती हो या फिर चाहे वो प्रवासी हो। तो ये कुछ खबरें थी, अपडेट थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद एंड टेक केयर।